सहारा में जमा पैसे की वापसी को लेकर जानिए सभी सवालों के जवाब। सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय के निधन के बाद जमाकर्ताओं को फिर से चिंता सताने लगी है कि कहीं जुलाई से शुरू हुई रिफंड की प्रक्रिया रुक ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। सहकारिता विभाग के अधिकारियों का कहना है, चूँकि ये पैसा पहले से ही बाजार नियामक सेबी की निगरानी में बैंक में जमा है, इसलिए सहारा प्रमुख के देहावसान से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। सहारा इंडिया में एक दशक से अधिक समय तक फंसी रहने के बाद इस साल जुलाई से जमा पूंजी वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय के निधन के बाद जमाकर्ताओं को फिर से चिंता सताने लगी है कि कहीं ये प्रक्रिया फिर रुक ना जाए। रॉय का लंबी बीमारी से जूझने के बाद 75 साल की उम्र में बीते मंगलवार रात मुंबई में निधन हो गया था। दरअसल वर्ष 2011 में पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SIREL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया। सेबी का कहना था कि दोनों कंपनियों ने नियम और कानूनों का उल्लंघन करके यह धन जुटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा, जिसमें दोनों कंपनियों को निवेशकों का धन 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया गया था। सहारा समूह ने जदोजहद के बाद 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक में जमा करा दी, जो अब बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इसी पैसे को लौटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय, सहारा के देहांत से इस रिफंड प्रक्रिया पर क्या कोई असर पड़ेगा, आवेदन कैसे किया जाएगा, कौन से जमाकर्ता इसके पात्र हैं, जैसे बड़े सवालों पर हमने विशेषज्ञों से राय ली। क्या सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के देहांत से सहारा रिफंड की प्रक्रिया पर कोई असर पड़ेगा? नहीं। सरकार के अधिकारियों की दावा है कि चूंकि ये पैसा पहले से ही बाजार नियामक सेबी की निगरानी में बैंक में जमा है, इसलिए सहारा प्रमुख के देहावसान से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड का दावा करने के लिए कौन पात्र है? सहारा समूह की सोसाइटी के वास्तविक और वैध जमाकर्ता ही CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के पात्र हैं। ये समितियां हैं: हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। क्या वे सभी जो लोग जिनकी बकाया जमाएं इन समितियों में हैं, वे CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं? नहीं, पात्रता में कुछ समय सीमा जोड़ी गई है। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार रिफंड का पात्र होने के लिए अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग समय सीमा है, जैसे कि हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारा यन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड में जमा और लेनदारी 22 मार्च 2022 से पहले की होनी चाहिए, जबकि स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जमा और लेनदारी 29 मार्च 2023 से पहले की होनी चाहिए। क्या जमाकर्ताओं को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड का दावा करने के लिए कोई शुल्क देना होगा? नहीं, सरकार का कहना है कि रिफंड आवेदन निःशुल्क है, दावा प्रपत्र दाखिल करने के लिए कोई शुल्क लागू नहीं है। रिफंड क्लेम करने की आखिरी तारीख क्या है? सरकार ने रिफंड क्लेम करने के लिए अब तक आखिरी तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन अगर आपका पैसा फंसा है तो बिना देरी किए क्लेम दाखिल कर दें। क्लेम दाखिल करने के कितने दिनों भीतर पैसा लौट आएगा? सरकार का दावा है कि क्लेम दाखिल करने के 45 दिनों के भीतर रिफंड आ जाएगा, हालांकि कई मामलों में इससे भी जल्दी आ गया है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का लिंक किया है, वेबसाइट का लिंक है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा प्रस्तुत करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है? पोर्टल पर रिफंड अनुरोध डालने के लिए जमाकर्ता के पास सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र, पासबुक और पैन कार्ड, यदि दावा राशि 50,000 रुपए होना चाहिए। क्या CRSC सहारा रिफंड पोर्टल पर
दावा अनुरोध डालने के लिए आधार से जुड़ा बैंक खाते के बिना जमाकर्ता दावा दायर नहीं कर सकता। सरकार का कहना है कि आधार शीटिंग से वास्तविक जमाकर्ता के बैंक खाते में सुरक्षित धन हस्तांतरण की सुविधा मिलेगी। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा अनुरोध डालने की प्रक्रिया क्या है? जमाकर्ता के रूप में पंजीकरण करने के लिए किसी को 12 अंकों की सदस्यता संख्या, आधार संख्या के अंतिम 4 अंक, 10 अंकों का आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा। फिर उपयोगकर्ता गेट OTP विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज कर सकते हैं और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगले पृष्ठ पर जमाकर्ताओं को मैं सहमत हूँ, अगले पृष्ठ पर जमाकर्ता को मैं सहमत हूँ पर क्लिक करके नियम और शर्तों को स्वीकार करना होगा। एक बार सभी दावा विवरण दर्ज हो जाने के बाद पहले से भरा हुआ दावा अनुरोध फॉर्म तैयार हो जाएगा। जमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फॉर्म तैयार करने से पहले सभी दावे दर्ज किए गए हैं, क्योंकि इसे बाद में बदला या जोड़ा नहीं जा सकता है। जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा अनुरोध स्वीकृत है या नहीं? जमाकर्ता को इस संबंध में SMS ईमेल के माध्यम से एक अधिसूचना प्राप्त होगी।